हो जाइए थोड़ा एक बार। ये बैठने का है। अच्छा, ये फोल्डिंग भी होता है, फोल्ड हो जाता है। थोड़ा बार्गेनिंग करके देख लूं यार कि पता नहीं कुछ कम हो जाए, सेविंग हो जाए। तो चाचा कितने में देंगे मुझे आप? 350 से नीचे नहीं है। नहीं, 350 तो नहीं, थोड़ा सा और कर लीजिए, कुछ बेहतर रहेगा। नहीं होगा, आपको कम करके दे रहा हूँ। मैं आ गया हूँ भैया थार के शोरूम में और यहाँ खरीद रहा हूँ थार। आप देख सकते हैं जिसे मैं हाथ में लेकर के हूँ ना, इस थार को मैं खरीदना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ओरिजिनल थार खरीद रहा हूँ, बल्कि बच्चों के लिए मैं थार खरीदने के लिए थार के शोरूम में खड़ा हूँ। ओरिजिनल थार फॉर एक्सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ चलते हैं, कितने का है ये पता करते हैं। उसका तो बहुत हाई फाई रेट है, इसका रेट पता करते हैं कि इस थार का क्या रेट है। तो चलिए हम पूछ लेते हैं भैया, कितना रेट बताया इसका आप? इसका 300, ये 450 का, आप 400 का दिया, अगर 350 दिया दूसरे ने। जैसे कि भैया का कहना है कि 450 रुपये इन लोगों का डिमांड है, लेकिन 400 तक बेच देते हैं। अभी अभी कोई भाई खरीद करके गया है 350 रुपये में। 350 का दिया है, आपको भी यही बोला? हाँ, ये भी मुझसे यही कह रहे हैं कि हमने अभी अभी 350 रुपये का दिया है। तो 350 का देते हैं। 350 रुपये में भैया थार आप लेकर के जा सकते हैं अपने घर बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ काफ़ी थार खड़ी है, हम समझ लीजिए लगभग बच्चों के खिलौने वाले थार के शोरूम में खड़ा हूँ यहाँ पे मैं। भाई जान टूटने वाला नहीं, तो टूटेगा, खड़ा हो जाओ तब भी नहीं टूटेगा। अच्छा, खड़े हो जाने से भी नहीं टूटेगा? अभी आप रुको, देखो मैं खड़ा होता हूँ, जरा दिखाइए। चलिए खड़े हो जाइए थोड़ा एक बार। हेलो, आप ऐसे ही खड़े रहिए, मैं पूरा वीडियो ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं पूरे थार पे खड़ा हो गया, ये भी बात सच है भैया, थार तो थार है, बड़े आदमी खड़ा होता है। ये थार तो बच्चे का है, लेकिन इस पे एक बड़ा आदमी खड़ा होने के बाद भी थार झेल लिया, तो आप सोच सकते हैं इस थार का जान क्या है। इस थार की मजबूती के बारे में अगर हम बात करें ओरिजिनलिटी में, तो काफी मजबूती है इस थार के अंदर। ठीक है, क्योंकि चाचा जो है पीछे मेरे, ये अभी खड़े हो गए मुझे दिखाने के लिए, और सही बात है, पूरा थार पे खड़ा होने के बाद ये थार टूटा नहीं। तो इससे पहले से सामान लाता है, आज ले गया कल टूट गया, ये बहुत दिन चलेगा। हाँ, ये अगर टूटने वाला नहीं, ये टूटने वाला नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टूटने वाला नहीं है। बच्चा इसका ऊपर बैठेगा या पैर रखेगा, दूसरा बच्चा बच्चे को पकड़ेगा, भगा के ले जाओ वापिस ले आओ, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं है किसी भी हाल में। अच्छा, ये स्टूल का क्या रेट है आपका? स्टूल भी बताता हूँ, ये बच्चे पढ़ने का स्टूल है, ये तो आपका बैच हो गया, बच्चे का पढ़ने का, बैठ के पढ़ने का है। सो गया बच्चा, नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ता है इस पे, जिसका भी दिल लग जाता है शाम को पढ़ो, बच्चे इसको फोल्ड करके वापिस रख दो, वापिस रख दो, सही बात है। और वापिस पढ़ने के लिए वापिस खोलो, वापिस बैठ जाओ बच्चे पढ़ो। ये कितने का है? ये 400 का देते हैं दादा, पर 350 का दिया है। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें आप, लगभग 400 रुपए का ही है? हाँ, 400। अच्छा, ये जो अभी चाइनीज फोल्डिंग जो स्टूल चल रहा है, चाइना नहीं, ये अपने इंडियन है, इंडियन लीजिए भाई, ये चाइना वाला का माल है, गुजरात का माल, ये गुजरात का है, सभी आइटम जो है गुजरात का है। तो एक स्टूल भी यहाँ पे शो कराइए, लाके देख लेते हैं स्टूल की क्या हालत है। ये स्टूल है जी, ये बैठने का। अच्छा, ये फोल्डिंग भी होता है, फोल्ड हो जाता है, फोल्ड हो गया, ये वापिस टांग के रख दो, वापिस बैठो, इसको इधर से पकड़ो, ये खुल गया, देखिए सब कुछ करके दिखा रहे हैं, इसमें आराम से बैठ सकते हैं, आराम से क्या, खड़ा हो जाओ। बिल्कुल, पर्सनली एक लेना चाहता हूँ क्योंकि काफी हेवी है, तो अब मैं चाचा से पूछ रहा हूँ, थोड़ा बार्गेनिंग करके देख लूँ यार कि पता नहीं कुछ कम हो जाए, सेविंग हो जाए। तो चाचा कितने में देंगे मुझे आप? 350 से नीचे नहीं है। नहीं, 350 तो नहीं, थोड़ा सा और कर लीजिए, कुछ बेहतर रहेगा। नहीं होगा, आपको कम करके दे रहा हूँ। नहीं, मुझे आप 350 में दूसरे को दिए, आप मेरे लिए बताइए ना कितने में दे रहे हैं। आपको भी क्या बताऊँ, इसमें क्या 20 रुपए मिलता, 10 रुपए कम करके दे दो मेरे। चलिए, तो मैं चाचा से कहना चाहूंगा आप लोगों के सामने लाइव में, क्या 300 रुपए में दीजिएगा अगर मैं लेना चाहूंगा? नहीं, तो नहीं नहीं, 350 का। देखिए भैया, आप सभी लाइव में देख रहे होंगे कि 300 में भी मना कर रहे हैं, मतलब 350 से नीचे में नहीं देने वाले हैं। लास्ट रेट जो है 350 रुपए ही है। तो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आ सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है फौजी कैंप के गेट के पास, खगरा मेला से पहले, और यहाँ आके खरीदारी कर सकते हैं। और मजबूती आपको मैंने दिखाई दिया, मजबूती किस टाइप से, बाकी थार ट्रैक्टर और चीजें भी काफी यहाँ पे हैं। मेरे पास और भी सामान है, अभी पूरा सामान खोला नहीं। अच्छा, चल आप आना, पूरा का वीडियो बना के लेके। अभी तक सारा सामान नहीं खोला गया है, कुछ ही सामान खोला है। तो यहाँ पे मेरा डेली का आना जाना है, हो सकता है कि मैं कल फिर इधर से गुजरूँ, तो जितने भी न्यू आइटम होगा, न्यू आइटम का ब्लॉग में डाल दूंगा। आप मेला में इधर आने से पहले एक बार जरूर विजिट करके जाएं, देख के जाना, मेला का सामान देख के बाद में देखना हमारा, देख पहले मेला का देखो।
मेला का देखने के बाद आकर यहाँ पे देखें, समझ में आए तो खरीदें। तो ठीक है चाचा, मैं 300 रुपए दे रहा हूँ, अब मुझे वो स्टूल दे दीजिए। नहीं नहीं, 350। भाई मानने को तैयार नहीं यार, कमेंट करके बता दो मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चलिए आपको जितना अच्छा लगे और 2 रुपए बचे उतने में बेचिए, और मैं भी चाहूंगा कि आपको 2 रुपए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।